Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफान जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं देगी पालक गोश्त। बहुत ही मजेदार, झटपट घर पर आसानी से बनता है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए कुकर का चूल्हा फास्ट फास्ट पर चालू कर दीजिए। यहाँ पर मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह सरसों का तेल डाल रहे हैं तो फास्ट आंच पर बहुत ही अच्छे से गरम कर लीजिए कि धुएँदार निकलना चाहिए धुआं, ऐसा गरम कर लीजिए। जब धुआं निकलने लगे तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे हल्का ठंडा हो जाने दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाने दीजिए। जब ठंडा हो जाए, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया, तो फिर हम गर्म मसाले डाल देंगे। ये सारे गर्म मसाले हैं, ये है 2 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता बड़ा सा, 1 डंडी दालचीनी की, 10 काली मिर्च, 3 हरी इलायची और 3 लौंग। जब तेल थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो ये गरम मसाले सारे डाल दीजिए और इसे तड़तड़ा जाने दीजिए कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद यहाँ मैं 400 ग्राम प्याज बारीक कटी हुई, छुंदा कटी हुई डाल रही हूँ और इसे डालकर फास्ट आँच पर बार बार चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक प्याज को फ्राई कर दीजिए। जब प्याज कलर चेंज कर दे और हल्की सी लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगे तो यहाँ पर डाल दीजिए 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, चूल्हा फास्ट आंच पर ही है, और इसे डालकर भी बहुत अच्छे से भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक अदरक लहसुन के पेस्ट की कच्चेपन की खुशबू नहीं चले जाती। अच्छा, जब अदरक लहसुन भून जाए तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गोश्त। ये है 750 ग्राम गोश्त है, चर्बी निकाली हुई है, धोया हुआ है, तो ये सारे डाल दीजिए पीसेस। मैं यूजुअली थोड़ा बोनलेस डालती हूँ और थोड़ा सा हड्डियों के साथ डालती हूँ, तो एक बार मिक्स कर लीजिए। जब मिक्स हो जाए तो हम थोड़े से पाउडर मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले तो नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अगर आपका स्पाइसी हो तो आप कम भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए और 1/2 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालकर चूल्हा फास्ट पर ही रखिए और इसे बार बार चलाते हुए तकरीबन 3-4 मिनट तक भून लीजिए, सो दैट थोड़ा सा मसाला भी भुना जाएगा ना गोश्त के अंदर। जब अच्छा भून जाए तो 150 ग्राम दही फेटी हुई लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे लीजिएगा और इसे भी डाल दीजिए और इसे भी बार बार चलाते हुए तकरीबन ये जो दही है इसे फास्ट आंच पर 1 मिनट तक भूनिए। जब 1 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और इसे ढककर, मैंने बिना गैस्केट के ढका है, और इसे स्लो आंच करके ढककर 3-4 मिनट तक पकने दीजिए, सो दैट तेल थोड़ा ऊपर आ जाए ना। चलिए 3-4 मिनट हो चुके हैं, तेल ऊपर आ चुका है, दही अच्छे से भून गई है, चूल्हा फास्ट आंच करके 1 कप पानी डाल दीजिए, एक बार चला लीजिए और अब जो आपने ढक्कन जिसे ढाका था उसमें गैस्केट लगाकर इसे ढक दीजिए और फास्ट आंच पर 1 सीटी खिला लीजिए। जब 1 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके तकरीबन समझिए ना 12-13 मिनट तक पकने दीजिए। 1 बाउल के अंदर ठंडा ठंडा पानी डालिए और खूब सारा बर्फ़ डालकर इसे साइड पर रख दीजिए। दूसरी ओर मैंने है ना पानी को गर्म पे रखा था बॉईल होने के लिए चूल्हे के ऊपर, ये देखिए अच्छा उबाल आ गया है। तो ये है 375 ग्राम पालक, इसकी मैंने डंडियाँ अच्छी साफ़ कर ली हैं तोड़कर और इसे 2-3 पानी से धो के मैंने नितार कर इसमें डाल दिया है जो हम इसमें गर्म पानी के अंदर, और इसमें उलट पलट करते हुए इसे थोड़ा सा है ना 1-1.5 मिनट तक बॉईल कर लीजिए, फास्ट आंच पर ही करना है। जब 1-1.5 मिनट हो जाए तो इन्हें छान कर क्विकली नितार कर वो जो ठंडा ठंडा पानी है ना उसके अंदर डाल दीजिए। ऐसा करने से जो ये पकने वाला जो प्रोसेस है ना ये ठंडे पानी में डालने से वो स्टॉप हो जाएगा। तो अब ये जो ठंडे पानी में डालने के बाद इसे 10 सेकेंड या 15 सेकेंड ही रहने दीजिएगा। ऐसा करने से ये पूरा जो प्रोसीजर करने से है ना हमारी जो पालक का कलर है ना वो ग्रीन रहेगा। हाँ, तो चलिए 10-20 सेकेंड हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल कर नितार कर छन्नी के ऊपर रख देती हूँ। तो अब इस प्रोसीजर से बहुत अच्छा वाइब्रेंट ग्रीन कलर आएगा हमारी पालक का। अब ये जो पालक है इसके साथ साथ मैं ले रही हूँ 4-5 हरी मिर्चियाँ और 75 ग्राम धनिया, मतलब कोथमीर। अब हरी मिर्चियाँ आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब बड़े से मिक्सर जार के अंदर ये कोथमीर यानी कि हरा धनिया, हरी मिर्च और पालक डाल दीजिए और थोड़ा सा ही पानी डालिएगा और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया और
थोड़ी सी पालक बराबर मैं साइड पर रखी थी वो भी सारी डाल देती हूँ। थोड़ा सा फुदीना मेरे पास सूखा है, मैं सूखा वाला डाल रही हूँ, आप फ्रेश वाला डाल दीजिए। और बहुत अच्छे से इसे ऐसे बारीक पीस लीजिए, पानी ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि हमें आगे जाके सुखाना होगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसे साइड पर रख दीजिए। तकरीबन 12-13 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, और अच्छा कंप्लीटली प्रेशर निकल जाए तो ये देखिए खोल कर गोश्त को चेक कर लीजिए। ये देखिए एकदम फुसकी नहीं होना चाहिए हमारा गोश्त अच्छे से। अभी हम फिर से उसे थोड़ा सा पकाने वाले हैं पालक के साथ, तो अभी इसे साइड पर रख दीजिए। और यही जगह पे मैं है ना जिसमें मैंने पालक को बॉईल किया था वही पतीली ले लेती हूँ, उसका चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून असली घी के। इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून भरकर बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर इसे आधे 1 मिनट तक फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए बार बार चलाते हुए। जब फ्राई हो जाए तो चूल्हे को मैंने स्लो कर दिया है और यहाँ पर ये जो सारी पालक है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए। अब बार बार चलाते हुए इसे फास्ट आंच पर 5-6 मिनट तक आप फ्राई कीजिए क्योंकि पालक को भी तो पकना ज़रूरी है ना। अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, 2-3 मिनट के बाद है ना मैंने थोड़ा सा मिक्सर जार के अंदर पानी डाल दिया क्योंकि चिटकी हुई पालक का वो जो पेस्ट था तो मैं उसे वेस्ट कैसे जाने देती हूँ। तो थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून जितना ही पानी डाले उसमें चलाकर इसमें डाल दीजिए, ज़्यादा पानी मत डालिएगा। और अगर आपने अच्छे से निकाल लिए है तो पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब टोटल मतलब पकाना है हमें ये जो पालक डाल के समझिए ना 5 से 6 मिनट तक फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए। जब टोटल 5 से 6 मिनट हो जाए तो गोश्त को जो साइड पर रखा हुआ है, अब गोश्त का भी ये है कि आप चाहें तो गोश्त अभी इसी समय डायरेक्टली डाल दें या फिर थोड़ा सा उसे भून लें, अच्छे से थोड़ा गाढ़ा हो जाए आप फिर डाल दें, बट मैंने वैसा नहीं किया है। मैं क्या कर रही हूँ, वो जैसा था ना गोश्त उसका पानी ये देखिए है ना थोड़ा बहुत, तो मैं एज इट इज इसको डाल देती हूँ 5-6 मिनट के बाद, जो हमारा पका था हमारा पालक उसके 5-6 मिनट के बाद। और इसे चला लीजिए और फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए चलाते हुए। जब उबाल आ जाए नमक एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि पालक के बाग का भी तो डालना रहेगा ना हमें, और गोश्त में भी मैंने हल्का कम ही रखा था। इसे एक बार चला लीजिए और ये देखिए अच्छा उबाल आ गया। तो चूल्हा मैं कर देती हूँ स्लो आँच और 5-6 मिनट तक मैं पकने देती हूँ ढक कर। जब 5-6 मिनट हो जाए तो खोल कर एक बार चला लीजिए। अच्छा मैं यहाँ पर ना 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके, सूखी हुई क्रश करके डाल देती हूँ। इसे फिर से चला कर 5 मिनट तक स्लो आंच पर दम पर पकने देती हूँ। तो टोटल मैंने समझिए ना 10-11 मिनट इसे पकाया है। सो अच्छे फ्लेवर्स और आएंगे ना हमारी पालक के अंदर, और जो गोश्त भी है उसके फ्लेवर्स पालक में आएंगे और पालक का जो फ्लेवर है हमारे ग्रेवी में अच्छा एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। तो चलिए तकरीबन टोटल 10-11 मिनट हो चुके हैं, तो चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद। आप चाहें आपको ग्रेवी कितनी चाहिए आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप सुखा लीजिए ग्रेवी को। ये बन गया हमारा बढ़िया सा लज्जतदार और डिलिशियस टेस्टी देगी पालक गोश्त, बहुत ही मज़ेदार है, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे इंशाल्लाह। और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है हमारे पालक गोश्त का। अच्छा वैसे आप चाहें तो इसे रोटी पराठा फुल्का बटर नान रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कीजिए, वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा हरी मिर्चियाँ आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। और हाँ मैंने पालक गोश्त की अलग तरीके की डिफरेंट स्टाइल की एक और रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की, अगर आप रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।